सब्सक्राइब करें आज़ाद इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। कल मैं गया था एक विवाह में, मेरे ही पड़ोस में इस साइड के लिए है लड़का, वो उसका विवाह था करीब 250-300 किलोमीटर यहाँ से दूर होगा, वहाँ उसका विवाह था। तो असल में हुआ क्या, इसी वजह से मेरी कल वीडियो भी नहीं आ पाई होगी। आप लोगों ने देखा होगा कल की मेरी कोई भी वीडियो नहीं है पड़ी हुई, क्योंकि मैं उस विवाह में गया हुआ था, इसी वजह से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आई। अब दोस्तों उस विवाह में हुआ क्या, हिंदुओं के पतन का कारण, मैं मुझे पहले से पता था कि क्या कारण है जिन वजह से जो है हिंदुओं का पतन हो रहा है, पर फिर भी वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों उसमें हुआ क्या, उस विवाह में जो पंडित था वहाँ पर वो कह क्या रहा था पता, ये कह रहा था कि मैं विवाह करवाता हूँ अपनी संतुष्टि के लिए नहीं करवाता, मैं पैसे के लिए विवाह करवाता हूँ, और हर बात पे पैसे ही मांगे था कि दक्षिणा दो मुझे, दक्षिणा दो, दक्षिणा ये वाली इतनी दो, ये इतनी दो, ये इतनी दो। तो मुझे वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी, भाई देखो शादी विवाह का मामला है यार, इतना कुछ चलता है, कोई दिक्कत नहीं थी। पैसे के लिए तुम करवाते हो अच्छी बात है भाई, तुम्हारा भी घर है सब कुछ है, पैसे के लिए करवाते हो कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके बाद में जो आप लोग अर्थ का अनर्थ कर रहे हो उसे कौन रुकेगा। वो वहाँ पर कह रहा था अमुक गोत्रे नामे, मतलब कि जहाँ पे हम लोग जो संकल्प पढ़ते हैं वहाँ पे अमुक लगता है जब किसी का नाम नहीं हो, अमुक वहाँ पर लगता है जहाँ पर किसी का नाम नहीं मालूम हो, या संकल्प किसी को बताना हो तब अमुक लगता है। अगर आपका नाम आपको पता है या जिसके नाम से संकल्प पढ़ा जा रहा है उसका नाम तो ज़रूर लगता है, पर वो जो पूरा संकल्प पढ़ रहा था उसमें अमुक लगा रहा था, नाम की जगह पे अमुक लगा रहा था। मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा पंडित जी ये क्या कर रहे हो। तो मुझसे कहने लगा कि तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। मैंने ऐसा है तो शास्त्रार्थ कर लीजिए, वहाँ पर काफ़ी कहा सुनी हो गई। तो उसके बाद में वो पंडित कह बोला क्या, बोला ऐसा है मैं शादी करा रहा हूँ पैसे के लिए, मुझे मतलब नहीं है, अगर इतना ही शौक है तो आप खुद ही मंत्र पढ़ लो। तो मतलब वो शादी करा रहा था पैसों के लिए, उसे मतलब मंत्रों से नहीं, मतलब पैसे से था उसे। इसी अर्थ के अनर्थ के कारण हमारा आज हिंदू धर्म नीचे निम्न स्तर पर गिरता चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमें अपने शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। वो जो उसने संकल्प पढ़ा उस क्या पता किसके नाम का था, क्योंकि उसमें तो नाम ही नहीं था, उस लड़के का नाम अमित है, उसका नाम कहीं पर आया ही नहीं, हमेशा अमुक का ही यूज़ किया गया उसके लिए। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है कि जितना हो सके इस वीडियो को फैलाइए और दूसरे लोगों को भी ऐसा अनर्थ करने से रोकिए और उन्हें बताइए कि अर्थ का अनर्थ से क्या क्या हो रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।